नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे फास्ट हिंदी न्यूज़ चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। 2021 तक आ जाएगी कोविड-19 वैक्सीन, तो भी 61% भारतीय नहीं लगवाएंगे टीका, सर्वे। जी हाँ दोस्तों, लगभग 61% भारतीय ने कहा है कि वे कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सावधान और चौकन्ना है। और जैसा बताया जा रहा है कि अगर वर्ष 2021 में यह उपलब्ध करा भी दी जाती है तो वे इसे लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। 22 अक्टूबर को जारी किए गए एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन 2021 की शुरुआत तक भारत में उपलब्ध कराई जाएगी। लोकर सर्कल्स नाम की संस्था द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। लोकल सर्कल्स ने लोगों की राय मांगी कि यदि कोविड-19 वैक्सीन इसे उपलब्ध कराया गया तो वे कैसा महसूस करेंगे। उसने कोविड-19 खतरों के संबंध में लोगों को मौजूदा व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश की और भी कि वे कब तक इस महामारी को सहना करना जारी रखेंगे। इस सर्वेक्षण में भारत के 225 जिलों से 25,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं हासिल हुई। कोविड-19 रोग की जटिलता के कारण एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों के सामने बहुत कठिन चुनौती है, लेकिन जब मार्च अप्रैल 2021 में एक वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है तो यह महत्वपूर्ण है कि लोगों का इसमें एक निश्चित स्तर का विश्वास हो। लोकल सर्कल्स के सर्वेक्षण में पाया गया है कि अधिकांश नागरिक कोविड-19 टीकों के बारे में उलझन में है जो 2021 की शुरुआत में उपलब्ध हो सकता है। लोगों से पूछा गया, यदि अगले वर्ष शुरुआती हिस्से में कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध हो गई तो क्या आप इसे लगवाना चाहेंगे ताकि आप कोविड-19 से पहले वाली जीवन शैली में वापस लौट सकें। इस सवाल का जवाब देने वाले 8,312 लोगों से केवल 61% ने ही कहा कि वे उलझन में हैं और भले ही यह उपलब्ध हो वे 2021 में इसे लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। सिर्फ 12% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे टीकाकरण करवाएंगे और कोरोना वायरस से पहले वाली अपनी जीवन शैली में वापस जाएंगे। 25% ने कहा कि वे टीकाकरण करवाएंगे लेकिन फिर भी पूर्व कोविड जीवन शैली में वापस नहीं जाएंगे और 10% ने कहा कि वे 2021 में इसे लेंगे ही नहीं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी के दैनिक मामलों में गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को सामने आए 54,000 से अधिक मामलों के मुकाबले शनिवार को 53,000 से अधिक दैनिक संक्रमण के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं देश में कोविड-19 से उबरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 70 लाख के पार पहुंच गई है। तो दोस्तों, ऐसी ही फास्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।